आपने देखा होगा लाइट होती है ना घर में, टॉर्च जला लो तो रास्ता दिखने लगता है, बल्ब जला लिया, ट्यूबलाइट जला ली, हाँ यार समझ आ रहा है क्या करना है, काम करना यार कुछ, जरा लाइट जलाओ, ऑन कर दिया, बत्ती ऑन यानी कि आपके दिमाग की बत्ती ऑन, अंधेरे में आप कुछ काम कर रहे हैं, गिर जाओगे, चोट लगेगी, दिमाग में अंधकार है, रास्ता ही नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगा, यानी कि जब भी आप खोए हुए हो पास्ट में या फ्यूचर में, इसका मतलब यानी कि जब भी आप अंधेरे में काम कर रहे हैं आपको ढंग से कोई चीज चलने में भी दिखाई नहीं देगी, ठोकर खा के गिर सकते हो, और अगर दिमाग में अंधेरा है तो मुन्ना क्या करता है, आपको प्रेजेंट की कोई चीज की सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, आप कहोगे यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें, इस काम का क्या करें, इस पैसे का क्या करें, तो करना क्या है, आपको टॉर्च चाहिए, यहाँ भी एक रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए कि यार ये रास्ता कैसे मिलेगा, टेंशन कैसे खत्म होगी, बीमारी कैसे हील होगी, तो आपको क्या चाहिए, फोटोन। फोटोन क्या है, प्रकाश, प्रकाश सूर्य, जिस सूर्य के कारण से सब कुछ चल रहा है, इस सूर्य का फायदा क्या है, रोशनी है भाई, लाइट जला ली, दिख रहा है ना, अगर ये हमारे अंदर सूर्य जल जाए, ये हमारे तीसरे नेत्र के साथ होता है राइट साइड पे, अगर ये हमारा सूर्य अंदर का ऑन हो जाए तो प्रकाश नहीं आ जाएगा सारे शरीर में, यानी जहां जहां हीलिंग है अगर वहां प्रकाश आ गया तो इलेक्ट्रॉन, मुन्ना जो माइनस कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस, प्रोटॉन है प्लस, ये है नुकसान, ये है फायदे, पर ये साथ ही चलते हैं, यहां पर न्यूक्लियस होता है, एटम की बात हो रही है, एटम के अंदर यहां न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन शिव है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, महेश है, ये न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन की खासियत क्या है, शिव, शिव की खासियत क्या है, न्यूट्रॉन, ये साइंटिफिक है, साइंस है कि जब भी न्यूट्रॉन एटम के अंदर कार्य करता है तो पहले इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है, यानी संसार का नियम देखिए, शाश्वत, ईथर का सिस्टम क्या है, एनर्जी जितनी कन्वर्ट होगी, जितनी बनेगी उतना ही, धरती को सूर्य से रोशनी मिलती है, ये एनर्जी है, भयंकर एनर्जी मिलती है, उसी को हम खाते हैं, उसी के साथ जीते हैं, वही डी है, विटामिन डी शरीर का, अब ये धरती क्या इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, नहीं, जितनी एनर्जी सूर्य से मिलती है धरती उतनी ही एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट कर देती है, अगर नहीं की तो ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कुछ टाइम में हम ही विस्फोट में फट जाएंगे, यानी कि टिकना कुछ नहीं है, तो न्यूट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी आपने कोई चीज़ बनाई उसी क्षण उसके विध्वंस का प्लैनेट समय इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है, आपके जीवन में कोई भी घटना दुर्घटना होती है उससे ठीक पहले माइनस का फैसला होता है फिर प्लस होता है, यानी सोफा लेना है इससे पहले ही अणु की दुनिया में उसको बर्बाद करने का, खत्म करने का इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, मुन्ना एकदम पोजीशन ले लेगा, हाँ भाई क्या करना है, आज सोफा आने वाला है, प्रोटॉन सोफा भेज रहा है भाई, सोफे को नष्ट करने के लिए आ गया भाई मैं, हाँ भाई लाओ सोफा लाओ, जिस चीज को नष्ट होने की आप तैयारी कर लेते हो ना वो आ जाती है और फिर नष्ट भी हो जाती है, अब ऐसे ऐसे महारथी जो रहे जिन्होंने नष्ट होने ना दी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूर्य का प्रकाश मारा इस पे, ये लैब में टेस्टेड है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर नियम बना हुआ है कि जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है फोटोन की मार होती है, यानी आपके जीवन में परेशानी झंझट माइनस के थॉट, लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, जब जब इसके लिए किसी गुरु के द्वारा प्रकाश मिलता है, यार रोशनी वाह समझ आ गया, डॉक्टर की कृपा है यार, बाबा जी की कृपा है, कुल देवता ने आशीर्वाद दिया, उसी टाइम आप हील होना शुरू हो जाते हो, आपके कर्जे मुक्त हो जाते हैं, पेपर पास हो जाते हैं, जॉब बढ़िया लग जाता है, धन बर्बाद होने के बजाय आबाद होने लग जाता है, आपका लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा था माइनस, और ये माइनस पॉजिट्रॉन बन जाता है, इसका क्या फायदा है कि ये भी प्लस ये भी प्लस, अब मुन्ना खड़ा है, सोफे को मरने नहीं दूंगा, आपके दादाजी ने बहुत प्रेम से आशीर्वाद से एक सोफा खरीद के दिया आपको, 40 साल हो गए उनको मरे हुए, 40 साल से वो सोफा अभी भी चल रहा है, और उस दौरान आप 3 सोफे बीच में खरीद चुके हैं जो खराब होकर चले गए, मर भी गए, आप कहते हैं यार पहले की चीजें कमाल थी, पहले ना पॉजिट्रॉन था, भावना थी प्रेम की, ना पास्ट था ना फ्यूचर था ना प्रेजेंट था, दादाजी को ना टेंशन थी क्या खराब होगा, ना दादाजी को ये कलेश था फ्यूचर में मेरे क्या नाम होगा इससे, दादाजी ने बस क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम विचार यानी एटमिक लेवल पे विचार किया, बेटा ये तेरे लिए बच्चे मेरा आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद के तौर पर वो सोफा 40 साल से अभी तक खराब नहीं हुआ, हजारों साल पुरानी इमारतें खड़ी हैं अभी भी, और 100 साल की ईंट की बनी बिल्डिंग 100 बोलते 100 भी नहीं चलती, आप कितना चमत्कार कर सकते हो अगर आपने मुन्ना को पास्ट और प्रेजेंट में घूमने से रोकना सिखा दिया, वो तो करेगा,
लेकिन क्यों वो सोफा डिस्ट्रॉय करने वाला बन के घूमे, क्यों सोफा प्रोटेक्ट करने वाला ना घूमे? तो उसके ऊपर क्या करो, बीम ऑफ लाइट, सूर्य के लाइट फेंक के रखो। कैसे आती है बीम ऑफ लाइट? सारे टाइम सोचते रहो मेरा मुन्ना सोच कह रहा है, मेरा मन कर कह रहा है, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना, टाइम स्टॉप करना है, आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा। आध्यात्मिक कहानियों में, बातों में, लेक्चर्स में कहा जाता है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? वो कहते हैं सारा दिन इंसान शरीर से भागता रहता है, इसका शरीर तो रोको। हालांकि आपको मानसिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे मन को रोकना है। मुन्ना 4D का क्रीचर है, भागता रहेगा, मरता नहीं है, ये टाइम में आगे पीछे भाग सकता है। लेकिन जब इसको महीनता पे लाएंगे, यानी ब्लॉक, आपका समय रुक गया, तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? एक घंटा आप समाधि में बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि, समय, समाधान, हर चीज का समाधान मिल गया। जिस व्यक्ति के पास हर चीज का आंसर है, समाधान निकाल लेता है, वो समाधिस्त है। सर, ये भी तो मेडिटेशन हो रही है। हाँ, ये भी मेडिटेशन हो रही है, पर ये मेडिटेशन कैसे हो रही है? ऐसे नहीं कि कमर लेके बैठे हैं। असल मेडिटेशन क्या है? खत्म। बॉडी कहीं भी जा रही है, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने एथेरिक बॉडी को टच किया है, और आप हर समय जानते हो वही मुन्ना जो भाले से खत्म कर देता सोफे को, वही उस भाले से प्रोटेक्शन करेगा कि कोई आओ तो सही सोफे के पास, टूटने नहीं देगा। ये सब पॉजिट्रॉन बनने से है। ये पॉजिट्रॉन कब बनता है? आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, आप टाइम किल कर रहे हैं, वो जॉब बूढ़ी हो रही है। एक बच्चा ऐसा होता है, भाई जल्दी खत्म करो इंटरव्यू, शाम को यार मेरा WWF आना यार, मैंने देखना, मैच देखना यार, फिर शाम को यार पिज़्ज़ा पार्टी भी, कोई लेन देन नहीं उसे ना। वो पास्ट में जा रहा है जॉब के इंटरव्यू के लेके, ना फ्यूचर में जा रहा है, उसने कोई माइनस नहीं डाला, उसको जॉब मिल जाती है। लोग कहते हैं यार भाई इसकी किस्मत है, भाई इसकी किस्मत है। किस्मत इसलिए है क्योंकि उसने कलह टह टह रोना पिटना नहीं ऑन किया, और वो क्या सोच के बैठा है, जॉब दे आएंगे यार, हो जाएगा इंटरव्यू, लग गई यार, कोई नहीं। पॉजिट्रॉन, मुन्ना कहता है तुझे जॉब देनी है, यू डिजर्व इट, तेरे पास भले डिग्री है, पढ़ा लिखा है, तू क्या है क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं। ऐसे अक्सर बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका बॉस कम पढ़ा लिखा होता है, और वो बंदा अपने लिए मर्सिडीज खरीदता है, शायद शक्ल से मर्सिडीज नचना करती हो, और अपने वर्कर्स जो उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके कान खींच के रखता है। वो सारी जिंदगी सोचते रहते हैं बच्चे, यार ये पागल है क्या, साले इसे क्यों मिला? क्वांटम वर्ल्ड में किसी को क्या देना है, इसके लिए बड़ा आसान सा मुद्दा है ईश्वर का। वो कहता है भाई तुम कितने मुक्त हो मुन्ना से, यही तो बना के दे देगा तुम्हें, यही डिस्ट्रॉय भी कर देगा। आप कितना किसी चीज को कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट करते हो, ये आपके मुन्ना पे है। फोर्थ डायमेंशन का बंदा है मुन्ना, और ये ईश्वर से मिल सकता है क्योंकि समय में आगे पीछे जा सकता है। यदि आपने मेडिटेशन सीख ली बिना ऐसे कमर सीधा किए भी, तो आपने समय को रोक दिया।